अस्सलामुअलैकुम, एक्सेलेंट टीवी के साथ मैं हूं फैसल एजाज। हमारी आज की टॉप स्टोरीज हैं। बादाम खाने से क्या होता है? मेरी गाड़ी बंद हो गई। सिगरेट कैसे पीते हैं? पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है? बादाम खाने चाहिए, बहुत अच्छी डाइट है, मगर बादाम खाने से होता क्या है? एक्चुअली बादाम खाना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ना माइंड फ्रेश रहता है और शार्प भी रहता है। बादाम खाने के बहुत फ़वाद हैं, जैसे बादाम खाने से एक तो माइंड भी आपका शार्प रहता है, आप लोग के जिन लोगों को थोड़ी स्टडी में प्रॉब्लम होती है तो वो बादाम खाया करें। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है और वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। बादाम खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये कि स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो प्रीपेयर ज़्यादा अच्छी तरह अपने एग्ज़ाम कर सकते हैं। बादाम खाने से बेसिकली अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो अम्मा बोलती थी के बादाम खाया करो बेटा, तुम्हारे लिए बादाम बहुत अच्छे हैं क्योंकि तुम्हारा इससे हाफ़ज़ा जो है वो बहुत तेज़ रहेगा। कुछ नहीं होता बादाम खाने से, हमें दिमाग दमाग को नहीं तेज़ होता। बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो बादाम ख़त्म भी हो जाते हैं। मेहरान को फैमिली गाड़ी कहा जाता है, अब ये गाड़ी बंद होने जा रही है, इस पर नौजवानों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यार भाई मेहरान ना बंद नहीं होनी चाहिए थी, मतलब बंद हो गया कोई मसला नहीं है। तो मेहरान का जो ये पाकिस्तानी जिस तरह की पाकिस्तानी रोड्स है ना, इस पर बिल्कुल अच्छी है ये। मेहरान को बंद नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि आगे इनको नुकसान होगा, कल को जंग भी हो सकती है, तो मेहरान एक ऐसी गाड़ी है कि जो जंग में भी काम आ सकती है। वैसे बंद तो नहीं होनी चाहिए, लिए फिर मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए मुश्किल है। फिर जो गरीब बंदा है जो कि बाइक के बाद मेहरान अफोर्ड कर सकता है, अब उसके लिए तो नुकसान हो गया ना, वो बेचारा कहाँ से 25-30 लाख ले गया एक करोला खरीदने के लिए। वो चल रही है जैपनीज गाड़ी, उनको आप सेलेक्ट करें, वो अच्छी हैं। क्या सिगरेट मांग कर पीने से इसका नुकसान कम होता है? अस्सलाम वालेकुम, एक्सेलेंट टीवी के साथ मैं हूं अदनान रफीक। आज हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बात करने जा रहे हैं सिगरेट के बारे में। हम कुछ स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनको सिगरेट अपने पैसों से पीना पसंद है या मांग कर। यार जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना, तो लड़के जो है ना सिगरेट मांग के पीते हैं, ठीक है। मैं भी 2-3 दफ़ा बाहर खोखे पे गया हूँ, तो वो कई तो मुझे जानते भी नहीं और मांग लेते हैं, भाई 10 रुपये आए यार सिगरेट पीना है यार। अपने पैसे से यार पीना एक तो वैसे नुकसान है, उससे बंदा पैसे भी ज़ाया करे, उससे जब बंदा दूसरों का नुकसान करे। यार सिगरेट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने पैसों से ही पीता हूँ, जब सिगरेट ना हो रात को जैसे 1-2 बजे ख़त्म हो जाती है, फिर कमरों में जाना पड़ता है, हॉस्टलाइज हूँ मैं, इसलिए कभी बार पीनी होती है तो मांग के पी लेता हूँ दोस्तों से बस। बाज़ का तो पैसे होते हैं तो खुद पी लेते हैं सिगरेट, और बाज़ का कभी कभार नहीं भी होते तो दोस्त यार होते हैं उनसे हम कह देते हैं कि। वैसे तो मशरूब बहुत से हैं, मगर वो मशरूब कौन सा है जिसे कौमी मशरूब का दर्जा दिया गया है? एक्सीलेंट टीवी के साथ मैं हूं आपका नुमाइंदा वलीद आरिफ। गर्मी आ गई है, गर्मियों में ज़्यादा खाया नहीं पिया जाता है, तो देखते हैं हमारे पाकिस्तानियों का दिमाग कितना तेज़ है कि वो अपने कौमी मशरूब के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। मशरूब कोई आइडिया नहीं है, कोई अंदाजा मशरूब नहीं है यार, नहीं पता कोई अंदाजा नहीं, मैंने पहले दसो ना भाई। उसका कौमी मशरूब बिरयानी। कौमी मशरूब पीने वाली चीज भाई, कौमी मशरूब जामे श्री, जामे श्री कोफ्ता। अभी अभी तक मैंने मशरूब पिया ही नहीं है, अभी सीज़न आएगा तो पीऊँगा तो फिर चलेगा ना पता। तो इसे कहते हैं पाकिस्तान का कौमी मशरूब, रो गन्ने का रस। ये थी आज की टॉप स्टोरीज, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक्सीलेंट टीवी।